नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाह न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में आत्मविश्वास से भरे ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें पूरी तरह से पछाड़ दिया, और इसके लिए उन्होंने अपनी टीम की प्रभावहीन गेंदबाजी को जिम्मेदार ठहराया। यानी कि कह सकते हैं कि भारत को रविवार को दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया से 51 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली, यानी कि श्रृंखला भी लगभग जीत गई। बता दूं कि भारतीय टीम को पहले मैच में 66 रनों की शिकस्त झेलनी पड़ी थी, वहीं दूसरे मैच में भी उसे 51 रनों का हार झेलना पड़ा। मैच के बाद कोहली ने कहा कि उन्हें हमें पूरी तरह से पछाड़ दिया। मुझे लगता है कि हम गेंद से उतने प्रभावी नहीं थे, हम लगातार उस लाइन और लेन से गेंदबाजी नहीं कर पाए जिसके साथ करनी थी, और उनका बल्लेबाजी क्रम मजबूत है, वे हालात और मैदान के कोनों को अच्छी तरह से समझते हैं। बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने 390 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और साथी केएल राहुल के अर्धशतकों के मदद से 338 रन तक पहुंची थी, और यह मैच भारत 51 रन से हार गया था। बता दें चलो कि इस मैच में एक तरफा ऐसा दिखा जहां ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज और साथ ही गेंदबाज भी टीम इंडिया के ऊपर हावी रहे। यानी कि मिला जुला कह सकते हैं कि भारतीय टीम जिस तरह से जिस आस लेकर ऑस्ट्रेलिया में गई थी वह अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिला है। वहीं मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने कहा कि हम फिर भी वापसी करेंगे, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हम खेलते आए हैं इस सीरीज में भी आगे आने वाले मैचों में भारतीय टीम बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी।